जिले के एसएसपी के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पर। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर लाठीचार्ज का मांगा जवाब। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर कार्यालय का किया घेराव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अहमियत नहीं समझ पाए लोग। देवी स्वरूप बेटियों की जान लेने से भी लोग नहीं कर रहे परहेज। मंडी में दरिया किनारे नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी। सुरनकोट में बिजली विभाग की लापरवाही जानलेवा हुई साबित। पेड़ों से झूलते बिजली के तारे सुरक्षित जगहों पर नहीं हुई शिफ्ट। शॉर्ट सर्किट से कच्चा आशियाना। रात तीन मवेशियों की हुई मौत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ब्लैकलिस्ट कंपनी को परीक्षाएं लेने का टेंडर दिए जाने वाले विरोध में बुधवार को प्रदर्शन करने पर पुलिस की लाठियां खा चुके अभ्यर्थियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन अभ्यर्थियों ने आज जम्मू में डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रशासन से उनके साथ किए गए सलूक का जवाब मांगा है। वहीं पर क्या कुछ सूरत हाल है इस डिफकॉम कार्यालय के बाहर पर जो है वो भी हम पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर सूरत हाल है और जिस तरह से तमाम अभ्यर्थियों में गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर नजर आ रहा है क्योंकि उनके साथ जिस तरह से लाठी चार्ज हुई है उसका जवाब बार बार जो है सरकार से मांगा जा रहा है कि आखिरकार उनके साथ जो सलूक किया गया है उसका जवाब सरकार हमें दे। जिसके चलते इन अभ्यर्थियों ने डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उस पर जो है प्रशासन के साथ जो सलूक उन्होंने उनका किया है प्रशासन ने उसका पूरा जवाब जो है वो मांगा जा रहा है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इनका क्या कुछ कहना है जो इनका गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। जिस तरह से स्कैम्स की अगर बात करें तो वो देखने को मिल रही है और वहीं पर जिस तरह से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो ब्लैकलिस्ट कंपनी की परीक्षाएं लेने का टेंडर जो है वो जाने के विरोध में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। इस पर तमाम जानकारी जो है वो हम लेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, क्या है आपकी सिचुएशन, क्या इवन अभ्यर्थियों में जो गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है क्या उसमें कुछ थमने का वो गुस्सा नाम लिया है। इस पर तमाम जानकारी लेंगे। इन बच्चों का क्या कुछ कहना है, इन अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, इस पर पूरी जानकारी जो है वो ग्राउंड से हम लेंगे और वहीं पर उसकी तस्वीरें साफ तौर पर आपके सामने भी है। तो चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से गुस्सा इन अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है और उसी के चलते इन अभ्यर्थियों ने आज डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है, उसका घेराव किया है, अब वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे तमाम विद्यार्थी जो है कल भी प्रदर्शन भी उतरे थे और आज दोबारा से प्रदर्शन भी उतरे और इस वक्त पनामा चौक में सब लोग एकत्रित थे पर सड़कों में नहीं उतरे हैं क्योंकि गंगा में लाठी चार्ज हुआ था जिसमें बहुत अभ्यर्थियों को चोटें भी आई थी और आज इनकी वही मांग है जो यानी कि यहाँ पे अब तक उनकी एक ब्लैक लिस्ट कंपनी बताई बात की उसे एक नाम ना कर पाए थे इस बात की लगातार सड़कों में बने हुए हैं अपने प्रदर्शन के साथ। बिल्कुल, वहीं पर क्या जिस तरह से घेराव किया जा रहा है, क्या इनसे बातचीत करने के लिए कोई वहां पर पहुंचा? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ तमाम जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे पहुंचे हैं जो की अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके वो लोग भी मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप दोबारा से आपको प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे आए? हम यहाँ पे आते रहेंगे। हमारा क्या हो गया कि एक एग्जाम को रोकने के लिए 3 साल लिए जा रहे हैं। हमारी लाइफ तो मतलब ऐसे बन गई है कि लाइब्रेरी के 2x2 कार्पेट में बिठा के रखा 3 साल से। ये अपनी सारी नाकामियां हमारे सर पे लाकर छोड़ रहे हैं। अब तक को ये उठा के लाते हैं कि इनके पास कोई और कंपनी नहीं है अपने जितने भी इनका वो है कंपेयर करने के लिए, उसको चेंज करके लिए कंपनी दूसरी लेके आ रहे हैं। और एसएसपी शर्म करो, डूब मरो यार, थोड़ा सा देख लो हमारी तरफ भी। 3 साल से एक एग्जाम ले रहे हो आप, हमें कंपनसेशन मांगना पड़े। और वो देखो अम्बेडकर साहब की लगी यहाँ पे मूर्ति, इन बेचारे ने अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हाथ में उठा के रखी है। जब तुम लोगों को हाईकोर्ट की बात नहीं मानते लोग, हम किसके पास जाएंगे मनवाने के लिए? कौन है जिसकी बात मानेंगे ये लोग? हाईकोर्ट की नहीं सुनी, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है और कल पहली बार
पहली बार मैं आज साइक में आया हूँ, आज से पहले लाइफ में कभी नहीं आया। और यही अच्छे दिन देखना बाकी देखे थे कि हम जैसे लोग भी अब यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं क्या भैया देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। इन लोगों को अगर हाईकोर्ट की नहीं माननी है, JKSSB खुद ने इतना एरोगेंसी दिखा रहे हैं, इतनी एरोगेंसी हर साइड पे। और इनके कल वो आता है इनका फर्स्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, वो इनका पेपर के एक दिन पहले आता है इनका वो फर्स्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इसलिए आज बहुत कम आए कल से, सारों को थोड़ा सा हो गया है, सबको पढ़िए अपनी अपनी के पेपर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं क्योंकि ऊपर की सीट पिक गई हुई है, लास्ट में वही आएगा मेरिट करता है 118 में से 117 वो लेना इम्पॉसिबल है 25 लाख के बिना, और 25 लाख मेरे पास आएगा। थैंक यू मैम। जैसे कि आपने सुना यहाँ पे क्लियर कट शब्दों में क्या दिया गया कि जो दांडियां चल रही हैं उसके लिए ये प्लान तैयार नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर इनका रोष जो है वो कहीं ना कहीं ऋतिक हम ये कह सकते हैं कि जाहिर जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनका ये कहना है कि 25 लाख जो है वो उनके पास देने के लिए नहीं है, उसी बीच जब ये अपने हक के लिए मांग करते हैं डिमांड करते हैं तो उसके बाद इन पर लाठीचार्ज होता है। कि आज कहीं ना कहीं पुलिस के कुछ यहाँ पे हायर ऑफिशियल्स भी आए हुए जिनके तरफ से यह अश्योर किया गया कि अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज आज तो फिलहाल नहीं किया जाएगा। और ये बात क्यों कही गई है ये तो नहीं कह सकते, परंतु कल जो लाठीचार्ज हुआ था बहुत ज्यादा नुकसान बच्चों को देखने को मिला था, बहुत से बच्चे फेंट हो गए थे, कईयों को चोटें आई थी, लड़कियों के कपड़े आगे पीछे कर दिए गए थे। कहीं ना कहीं ये चीजें सुनने में आ रही थी हमें कि उन्हें भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे काफी जलील किया गया। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 18 से 20 घंटे जो पढ़ाई में लगाते हैं वो लोग अगर प्रदर्शनों पे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात जम्मू कश्मीर में और क्या होगी। बात है, चलिए ऋतिका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारी संवाददाता ऋतिका राजपूत, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी, बताया कि वहां पर क्या कुछ सूरतेहाल है, किस तरह से। अब ये भी कहा गया है कि फिलहाल आज तो कोई भी लाठीचार्ज इन भारतीयों पर नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से कल जो वहां पर देखने को मिला जिसके बाद इनमें काफी ज्यादा रोष भी नजर आ रहा है। और ये भी सुनने को देखने को मिला कि जितने कल जिस तरह से विमेन्स डे था और इस पर विमेन्स के साथ भी कहीं ना कहीं बदतमीजी जो है वहां पर जरूर देखने को मिली है। मौजूदा दौर के समाज में आज भी कई लोग बेटियों की अहमियत को नहीं समझ पाए हैं। ऐसे लोगों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे लोग देवी स्वरूप बेटियों की जान लेने में नहीं हिचकिचाते हैं। और वहीं पर ऐसा ही एक सबूत आज पूंछ जिले की मंडी तहसील में देखने को मिला है। मंडी में आज दरिया किनारे एक नवजात बच्ची का शव मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर पाई है इसकी जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अब आगे की क्या कुछ इस वक्त वहां पर सिचुएशन है, जो वहां पर सनसनी फैल गई, एक बच्चे का शव वहां पर मिला और वहीं पर इस पर ये तस्वीरें जो है वहां पर से बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से सनसनी फैल गई होगी। क्योंकि इस जमाने में जहां पर लड़की और लड़के में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है और उसी बीच में एक बच्ची का शव वहां से बरामद होना, तो चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इरफान ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। इरफान, आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले तो पूरा मामला क्या है ये बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह करीब 9:30 बजे कुछ दुकानदार जो है वो दरिया की तरफ मुंह धोने की गरज से गए थे, जिस दौरान जो है उन्होंने एक नवजात बच्चे की जो है लाश दरिया के किनारे पानी में देखी, जिसके बाद उन्होंने दीगर दुकानदारों को इतला दी और साथ साथ में मुकामी जो यहाँ पे पुलिस थाना है वहां पर पुलिस थाना में भी जो है इतला दी गई, जिसके बाद फौरी जो है पुलिस ने रेस्क्यू किया, मौका पर पहुंचे, जिसके बाद छोटे बच्चे की जो डेड बॉडी है शव है वो जो है सब जिला अस्पताल मंडी में पहुंचाया गया, जहां तमाम तर जो है कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को जो है अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से पुलिस थाना मंडी में एक FIR जेरे नंबर 20/2023 अंडर सेक्शन 318 IPC जो है वो दर्ज की गई है और इसके साथ मजीद जो है तहकीकात इस हवाले से जारी है। जी बिल्कुल इरफान, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन लोगों को वहां पर बच्चे का शव मिलता है तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये शव वहां पर मिला है और क्या वहीं पर है या फिर हो सकता है किसी और इलाके से दरिया में इस तरह से बहता हुआ ये शव वहां पर पहुंचा हो।
जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है सब जिला अस्पताल मंडी वाक्य है, और चंद लोगों का ये भी कहना है कि जो ये शव है शायद हो सकता है कि ये सब जिला अस्पताल मंडी से ही किसी ने जो है दरिया में फेंका हो, किसी बच्चे जो फेंका हो बच्चे को, लेकिन अभी इस हवाले से हम मजीद नहीं बता सकते क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आएगा तो इस हवाले से तफसीलात दी जा सकती है। लेकिन अगर डॉक्टरों के मुताबिक हम लेके चले तो डॉक्टरों का ये कहना है कि जो बच्चे का शव है वो काफी इस वक्त तक जो पानी में रहने की वजह से उसकी बॉडी जो है गल सड़ गई है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि बच्चे का शव जो है चंद दिन पहले ही जो है पानी में डाला गया था, जिसकी वजह से अभी तक जो है बच्चे का शव वो काफी पानी में रहने की वजह से गल सड़ गया है। मजीद अब ये अपडेट ये आ रही है कि इस हवाले से जो मजीद तहकीकात पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई है, और मुकामी लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा दिल दहला देने वाला जो मामला सामने आया, शर्मनाक मामला सामने आया। आपको ये चीज वाजह करना है कि इससे कबल करीब 2 साल पीछे चले जाए तो यहाँ डाक बंगले के सामने से ही एक जो है बच्चे का शव भी इससे कबल भी जो है बरामद किया गया था, जिसके बाद जो है कार्रवाई तो की गई, लेकिन जो कोई शख्स वो सामने नहीं आया। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये मांग जरूर की जा रही है कि अगर कोई भी इस मामले में मुलव्वस पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि रहती दुनिया तक जो है इस मामले को पेश करने से पहले जो है 100 बार सोचे। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है मजीद कार्रवाई इस हवाले से शुरू कर दी गई है, और लोगों की तरफ से यही मांग है कि उन जो अशख़ास इसमें शामिल है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। बिल्कुल इरफान, ये पहला मामला वहां से देखने को नहीं मिल रहा है, और इस बीच में क्या लगता है इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह की सोच जो है वो नजर आ रही है कि बेटी और बेटे में डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, इसी के चलते ऐसा कदम उठाया गया हो, तो इसमें लोगों को इस चीज में उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये जो बच्चा है ये मेल है, और ये बताया जा रहा है कि अगर ये बच्चे जो है सुबह लोगों की तरफ से जो दरिया में देखा गया है, ये पहला वाक्य नहीं है, इससे कबल भी एक वाक्य यहाँ पे पेश आया था, जिसके बाद जो है काफी हंगामा यहाँ पे देखने को मिला, लोगों की तरफ से भी काफी जो है मांगे की गई कि जो लोग इस तरीके से घिनौना काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज फिर से ये दूसरा मामला तहसील मंडी में पेश आया, कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाला है, लोगों को अवेयर करने की काफी जो है इसमें जरूरत है कि किस तरीके से लोग अपने बच्चों को देखे मान के चलते हैं, किसी का अपना बच्चा होगा तो वो इस तरीके से नहीं करेगा। अगर कोई दीगर कोई ऐसा मामला है तो कहीं ना कहीं लोगों को इस हवाले से जरूर अवेयर किया जाना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों की जो है वो पासदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए इरफान बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरह से पुलिस अब आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है। सुरनकोट में बिजली विभाग की लापरवाही इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी खतरा साबित हो रही है। पेड़ों पर झूलती बिजली की तारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट न किए जाने के खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और बिजली विभाग की यही लापरवाही आज एक गरीब परिवार पर भारी पड़ गई। वहीं पर पेड़ों पर झूलती तारों में हुए शॉर्ट सर्किट ने इस परिवार का कच्चा मकान जलाकर राख कर दिया और 3 मवेशी भी झुलस कर मर गए। आखिर क्यों बिजली विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं ला रहा है, इस पर जो है तमाम जानकारी भी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ सिचुएशन जो है वो रही होगी, और जो कच्चा मकान उस गरीब का चलकर राख हो चुका है उसकी तस्वीरें भी है, और बार बार लोगों की तरफ से कंप्लेन करने के बावजूद भी अभी भी पेड़ों पर बिजली की तारें उसी तरह से झूलती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर पेड़ों पर बिजली की तारें झूलती हुई नजर आ रही है, यहां पर पोल का जिक्र भी नहीं हुआ है, सिर्फ पेड़ों का जिक्र जो है यहां पर किया गया है। तो जाहिर सी बात है हम यहां पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी यहां पर जहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस सदी में अभी भी वहां पर बिजली की तारें पेड़ों पर झूलती हुई नजर आ रही है। तो इन सब पर जो है तमाम जानकारी भी हम लेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला रहा और किस वक्त ये हादसा हुआ जिसके कारण जो है उस गरीब को इसके बारे में पता नहीं चला, क्योंकि उसका एक आशियाना जिस तरह से पूरी तरह से चलकर राख हो चुका है। और वहीं पर क्या सरकार की तरफ से कोई मदद जो है उन्हें दी जाएगी, क्योंकि हर बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
मांग करते हैं, मुआवजे को लेकर मांग की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें काफी देर अपने मुआवजे के लिए भी सरकार के आगे गुहार लगानी पड़ती है। लेकिन क्या इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो इस पर तमाम जानकारी हम लेंगे जो कि थोड़े समय में हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इनसे तमाम जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये हादसा कब पेश आया और जिस वक्त ये हादसा पेश आया तो जिसका ये घर है या आशियाना है वो लोग उस वक्त कहां पर थे, वो परिवार कहां पर था जिसके चलते ये हादसा वहां पर पेश आया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। और इसी के साथ साथ सिर्फ इंसान नहीं बेजुबान जानवर भी इस पे जो है उनकी भी जान जा चुकी है और उस गरीब के जो जानवर थे जो मवेशी थे वो भी इसमें मारे जा चुके हैं। तो इस पर तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। आकाश आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आखिरकार ये हादसा किस वक्त पेश आया और जब ये हादसा पेश आया तो जिस गरीब का ये घर था आशियाना था वो परिवार उस वक्त कहां पर था? नितिन जी मैं आपको बताता चलू, जब ये आज हादसा हुआ उसके बाद जो है सिविल लोग या काफी सारे लोगों ने वहां पहुंचने के लिए शुरू किया और उसके बाद जो है इस बचाव कार्रवाई शुरू की और इस बचाव कार्रवाई में जो है इसका पूरा जो आशियाना भी जल चुका था और उसके साथ साथ जो हम अपनी जबान में एक फाइंडिंग कहते हैं वो भी चले जिसमें तीन पशु जो है उनकी जो है मौके पर मौत हो गई। बिल्कुल आकाश ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से ये सब हादसा वहां पर देखने को मिला और यहाँ पर ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो बिजली की तारें हैं वो पेड़ों पर झूलती हुई नजर आ रही हैं, अभी तक क्या वहां पर पोल्स भी नहीं पहुंचे हैं? जी कंदीप, उस हवाले से बात करें उस फैमिली मेंबर से हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि ये कहीं अरसा हमने जो है पीडीडी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भी किया और एप्लीकेशन भी दिए कि ये तारे जो है दरख्त पर लटकी हुई है और उन्होंने ये कहा है कि माल मवेशी के साथ साथ इंसानी जान को भी वहां पे काफी खतरा है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। जी चल बिल्कुल, क्या वजह है आकाश, क्यों डिपार्टमेंट की तरफ से इतनी लापरवाही वहां पर देखने को मिल रही है, क्या किसी और बड़े हादसे का इंतजार वहां पर हो रहा है? उस हवाले से भी मकामी लोगों ने अपील किया सरकार से कि इन तारों को फौरी तौर पर तार के जो है पोल लगाए जाए। उनका ये कहना है कि आज की सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया बना है लेकिन जमीनी सतह पर जो है बिल्कुल फेल है, आज भी जो तारे हैं जो है पेड़ पे लटकी हुई हैं और उनका ये भी कहना है कि आज तो ये पशु की हुई है और अगर कहीं ऐसा इसको तारों को शिफ्ट ना किया गया तो आने वाले वक्त में इंसानी जान को भी खतरा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो उन परिवार का क्या कुछ कहना है, क्या कोई मुआवजे की मांग उनकी तरफ से? पीडीटी डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जल्द ही इसको शिफ्ट करके और पोल लगाए जाएंगे। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और वहां पर क्या कुछ सिचुएशन रही और किस तरह से लापरवाही वहां पर देखने को मिल रही है जिससे ये साबित हो रहा है कि अभी भी हो सकता है कि और भी बड़े हादसे वहां पर हो, क्योंकि जिस तरह से उनके जवाब यहां पर देखने को मिल रहे हैं हादसा होने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि अभी भी लापरवाही वहां पर देखने को मिल सकती है। बैसाखी के पर्व से करीब एक महीने पहले सिंचाई विभाग द्वारा किसान वर्ग को एक बड़ी सौगात दी गई है। वहीं पर रणबीर नहर समेत ग्रामीण हलकों की छोटी नहरों में पानी आने से किसान वर्ग के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। नहरों में आमतौर पर बैसाखी के पर्व पर पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार मार्च में ही नहरों में कल करता पानी जो है वो बहने लगा और जिससे सब्जियों व अन्य फलों की सिंचाई शुरू हो गई है और किसान वर्ग ने इस सौगात के लिए किसान और सिंचाई विभाग का आभार जताया है। हालांकि सिंचाई विभाग ने इससे पहले 1 मार्च को नहरों में पानी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया था। खुश हो ने? गर्मी क्या खुश होंगे, पहले देखो सरकार ने बोला था 1 तारीख को नहर देंगे, 1 तारीख को नहर दी नहीं, तो चलो अभी खुश है। थोड़ा यह कि गोभी सूख रही थी, कणक लगाई थी सूख रही थी, स्टाला पशुओं के लिए लगाया सूख रहा था, बंद गोभी लगाया सूख रहा था, जो और सब्जी लगाई सब सूख रही थी। ये तो अब थोड़ा सा किसानों में
उत्साह बड़ा है, चलो की नहर आ गई है तो पानी लग जाएगा, और बिना पानी कुछ नहीं। जब हम पहाड़ी एरिया वाले तो सूख रहे, हमारा तो नहर का पानी था, हमें तो पानी मिलता था, पर जो कि 7-8 दिन लेट किया, चलो सरकार ने जब भी पानी दे दे बहुत अच्छा कर दे, हम टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद कि हमें पानी नहीं मिले तो फायदा क्या है। एक तो बारिश नहीं पड़ रही है, क्योंकि 2 साल से बारिश नहीं हो रही है, पहले कोरोना ने मारा सब्जी तब नहीं बिगड़ी, अभी पानी नहीं मिल रहा सब्जी रह रही है। हम तो यही चाहते हैं कि टाइम का पानी दे, लोग खुश रहे, लोगों को पैदावार अच्छा हो, मंडी में रेट कम होगा तो लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। हाँ सर, बहुत खुश हाँ, जड़ा पानी जल्दी से जल्दी आ गया, सब्जियां सुखा पे रही हाँ, फ्रास बीन गोभी और सटाले डंगर पशु भी ऐसे भुखे मर रहे हैं कि जड़े सटाले भी हम थोड़े मनी जान गए, कनक जड़ी हियाँ वो भी इं बूर बेकार, दाना ना बनना हूँ दाना बनी जाग माड़ा मोटा। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अपनी सांसद निधि से आज कुछ दिव्यांगों को स्कूटियां मुहैया करवाकर उनकी मांगी मुराद पूरी कर दी। समाज कल्याण विभाग की ओर से जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये स्कूटियां दिव्यांगों के हवाले की और सांसद ने बताया कि ये लोग भी समाज का ही एक हिस्सा है और इन्हें आत्मनिर्भर बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। दिव्यांग जनों के लिए जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं उनमें से ये भी एक सुविधा है कि जो लोग चल नहीं सकते और वो अपने जीवन में अपने आप को पीछे ना समझें, तो देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि दिव्यांग जन भी इस दुनिया की रेस में किसी से पीछे ना रहें, अपना काम काज कर सकें, अपने पांव पर खड़ा हो सकें, किसी पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर हों, तो उसी के नाते आज हमने सांसद निधि से यहाँ पर कुछ स्कूटी जो हैं वो दिव्यांग जनों को बहनों को समर्पित की हैं, ताकि वो अपना जीवन जो है वो सही से व्यतीत कर सकें, अपनी रोजी रोटी भी कमा सकें और अपने आप को असहाय ना समझें। मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उनकी जो टीम और बाकी भी सहयोगियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने समय रहते ये पैसा जो है सांसद निधि से रिलीज़ करवाया है और इसकी हमने जो स्कूटी खरीदी है आज ये स्कूटी हमने लोगों को दे दी है, तो लगभग 5 लाख रुपए की लागत से ये स्कूटी आई है। और मैंने जब पूछा, एक भाई हैं हमारे, उनसे पूछा तो वो कहते मैं टेलर मास्टर दर्जे का काम करता हूँ और मुझे वहाँ अपनी दुकान तक जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, मैं मेटाडोर पर चढ़ता था तब समय लगता था, मेटाडोर से उतरता था तब समय लगता था, और फिर कई बार लोग धक्का दे देते, उनको मालूम नहीं कि ये अपंग है मतलब दिव्यांग है। तो इसलिए उन्होंने तो नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभार प्रकट किया है कि जिन्होंने ये योजना चलाई और आज इसका लाभ जो है उनको मिला। सांसद जी श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने एमपी लाड से जो हमारे दिव्यांग जन थे जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए स्कूटीज के लिए हमें बताया था कि वो देना चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं, तो हमने डिपार्टमेंट ने जो है वो प्रोक्योर किया स्कूटीज और आज सर ने यहाँ पे वितरित समारोह में कुछ दिव्यांग जन को स्कूटी दी है। मैं सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि इन्होंने जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको आज स्कूटी प्रदान की जो सच में नीडी थे, जो प्रायोरिटी हाउसहोल्ड से ताल्लुक रखते हैं और उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उनको अपने डेली रोज़गार का भी इसमें जो है मदद मिलेगी और दिन प्रतिदिन में जो उनकी मतलब रहता है जैसे कहीं जाना आने जाने में उनको मदद मिलेगी क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट होके इन स्कूटीज का फ़ायदा उठा सके। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गेस्टेड मुलाजिमों ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोरों शोरों से उठाया। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में सातवां वेतन आयोग लागू है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि वेतन विस्कृतियां अभी तक दूर नहीं हो पाई है। हालांकि उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द गौर किया जाएगा, जिससे उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई है। और वहीं पर उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से अधिकारी और नौकरशाह उन्हें बरगलाते हुए आए हैं। अब उपराज्यपाल ने उन्हें सुनवाई करने का भरोसा दिलाया है। हमारी मेन जो मांग है वो पे अनोमली की है, 1196 से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आज तक जितनी भी हुकूमतें हैं सब उन्हें लारे वादे और झांसे दिए, टाइम किल किया। हमारी इस मांग को किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की, तो लिहाजा अब रिसेंटली हम 21 जनवरी को एलजी साहब से मिले थे, तो एलजी साहब ने बोला कि अगर अंडर रूल ये आपका मसला अंडर रूल होगा तो ये पक्का करूँगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया। तो हमें उम्मीद जागी है कि शायद इससे पहले जितने भी ऑफिसर ब्यूरोक्रेट या सीएम वगैरह जिन्होंने भी हमारे साथ टाइम दिया मिले हैं, लेकिन किसी ने इतने कॉन्फिडेंस तरीके से हमें रिस्पांस नहीं दिया। अब हमें उम्मीद की किरण जागी है कि हमारा शायद जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकल आए और हमारे साथ इंसाफ होगा, तो इस दराना माह को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो हम गवर्नर साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें बूढ़े लोगों को रिटायर सीनियर सिटीजन का एहतराम किया, और हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि उनका शुक्रिया अदा करें। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।